हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे अपने अर्ली 20s में आप क्या कर सकते हो, और जो आपकी पहली जॉब लगे, आपकी पहली सैलरी आए, तो आपको क्या क्या करना चाहिए अपने लिए, और बेसिकली ये फाइनेंशियली अवेयर करना आपको इस चैनल में मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको किस तरीके से फाइनेंशियल को आप अपने मैनेज कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दैट। तो अपने 20s में अगर आप आज हैं और आपकी पहली जॉब लगी है, जस्ट आपने अभी नई नई कंपनी ज्वाइन ही करी है, आपको अच्छा खासा पैकेज मिला है, तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी जिससे आपको आगे पछतावा हो, और क्या चीज़ें सही करनी है जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर सको। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप अपनी सैलरी स्टार्ट कर चुके हो लेना, तो आप अपने सबसे पहले एक्सपेंसेस को सबसे कम करो, खर्चे बिल्कुल ही ख़त्म कर दो। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत करो, बट कम करो, मिनिमम करो उस खर्चे को। उस पैसे को आप सेव करो, पहले अपने आप को पे करो, पे योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे मान के चलो किसी की सैलरी 1 लाख रुपये हुई, तो 1 लाख रुपये में अगर आपको पता है कि मेरा 10,000 रुपये में पूरा एक्सपेंस निकल जाएगा, तो 10,000 रुपये आप पहले साइड कर दो एक्सपेंसेस के लिए। उस 90,000 को अपने पास रख लो, इससे अपने थोड़े बहुत जो खर्चे हैं और मेंटेन करना, बाकी पूरी की पूरी आपकी सेविंग। सेविंग को किस तरीके से मेंटेन करना वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया हमारे पास 90,000 रुपये हैं, तो 90,000 रुपये को हमने किस तरीके से मैनेज करना है, इस तरीके से हमने उसको डाइवर्सीफाई करना है कि जिससे रिस्क और रिवार्ड दोनों के दोनों चीज़ों, हम 20s में हैं, अभी 20s में हम रिस्क ले सकते हैं। तो रिस्क लेने का मतलब है आप सबसे पहली चीज़ अपने लिए एक बहुत ही अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चुनो। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए बहुत नेसेसरी है यार, कल को क्या हो जाए, किसको क्या पता, किसको क्या प्रॉब्लम हो, तो एक बेस्ट प्लान अपने लिए लो। अगर आप टैक्स स्लैब में आ रहे हो, तो टैक्स स्लैब में अपनी फैमिली को भी ऐड करो, मतलब अपनी फैमिली को इंश्योरेंस में ऐड कर दो, तो उससे आपको रिबेट मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस नंबर वन, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपने लेना है टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म्स होती हैं इसके अंदर। जैसे मान के चलो आप अपने 20s में हो, तो 400-500 रुपये आपका पर मंथ, 700-800 रुपये में, अगर मान के चलो किसी की 12 लाख रुपये की एनुअल पैकेज है उसका, उसको 10 से गुना कर दो, तो 1.25 करोड़ रुपये का आप टर्म इंश्योरेंस उससे आराम से बाई कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में आप 1 करोड़ 1.5 करोड़, जितने तक आपको लगता है कि वो चीज़ लेना है। इसमें देखो आपको जीते जी कुछ नहीं मिलेगा, बट खुदा न खास से आपके साथ कुछ हो गया, तो आपको फैमिली को 1 करोड़ 2 करोड़ का एक सपोर्ट हो जाएगा, एंड दे विल स्टार्ट डूइंग देयर वर्क एंड जो भी है। तो फर्स्ट क्या बोला मैंने आपको, हेल्थ इंश्योरेंस वेरी गुड, वेरी वेरी नेसेसरी। सेकेंड दैट इज़ टर्म इंश्योरेंस, बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस के मैं जस्ट अगेंस्ट हूँ, जस्ट गो डोंट गो फॉर दैट, पैसा वेस्ट है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में पैसा लगाना एक वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। थर्ड एसेट क्लास जो होगी वो आपकी आएगी स्टॉक्स। स्टॉक्स में आप पैसा लगाओ, स्टॉक्स जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ये बहुत सेफ कंपनीज हैं। बट यू आर इन 20s, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, स्टॉक्स में हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है वो उसके हिसाब से, जैसे मान लो आप 20 ईयर्स के हो, तो आप 100 में से 20 माइनस करो, कितना हुआ, 80%। अपने अपने एलोकेशन का, अपने सेविंग का 80% अमाउंट ही आप स्टॉक्स में डालोगे। अभी 20s में 25 साल के हुए 75% डालोगे, 30 साल के हुए 70% डालोगे। तो इस तरीके से आपने मेंटेन करना है, स्टॉक्स को अपनी एज के हिसाब से कम करते चले जाना है, क्योंकि रिस्क लेने की टेंडेंसी जैसे हमारी एज बढ़ती है वो कम होती चली जाती है। दूसरी चीज़, अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं लेना, आपको नहीं समझ में आता स्टॉक मार्केट का क्या है कैसे है, नुकसान आपको हो रहा है, तो आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड भी एक जरिया है जिससे आप इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हो। तो एक्चुअली ये स्टॉक ही हुआ म्यूचुअल फंड। तो हम तीन चीज़ सीख चुके हैं, पहला हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस, तीसरा म्यूचुअल फंड, वेरी वेरी नेसेसरी। चौथी चीज़ जो मे बी लोग मेरे से अग्री ना करें, बट इट इज़ गुड, फोर्थ इज़ गोल्ड। गोल्ड एक आपको फिजिकल गोल्ड लेने के लिए नहीं कह रहा मैं, फिजिकल गोल्ड नहीं कह रहा हूँ मैं आपको लेने के लिए। फिजिकल गोल्ड लेने से हमारे देश को नुकसान होता है,
एक चीज़ ध्यान रखो, क्यों नुकसान होगा? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली बाहर से इंपोर्ट करती है गोल्ड, इससे हमें अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उस डॉलर की वजह से हमारे करेंसी को, आपको पता ही कितना नुकसान हो रहा है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खर्चा आता है वो अलग। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, उसको आप खरीदते हो, अपने घर में रख लेते हो, तो कंट्री को उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होना, वो तो आपके घर में तिजोरी में बंद है। तो बेसिकली यू शुड बाई गोल्ड फ्रॉम टू मेथड्स। फर्स्ट दैट इज़ आप पेटीएम, फ़ोनपे, इन पे जो गोल्ड आता है जिसमें कि आप 3% GST देते हो, आप वो बाई करो। दूसरी जो सबसे बेस्ट है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, और इस पर आपको क्या कहते हैं, एक डिविडेंड इनकम भी आपकी आएगी हर मंथ, ब्याज भी मिलेगा आपको हर 6 महीने में, 1.25% का ब्याज मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। RBI इशू करती है हर महीने, जो भी इशू प्राइस होता है उस प्राइस पे आता है, और 6-7 दिन तक का स्लैब खुला रहता है। आप SBI, नेट बैंकिंग या बहुत सारे ब्रोकर्स पे आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि किन से ब्रोकर से अप्लाई करें, तो आप स्टॉक, जीरोधा, ग्रो, वो सारे ऐप्स हैं जिनसे आप खरीद सकते हो। SBI नेट बैंकिंग से डायरेक्ट आप गोल्ड खरीद सकते हो। तो फर्स्ट मेडिकल इंश्योरेंस, सेकेंड टर्म इंश्योरेंस, थर्ड स्टॉक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्टॉक इज़ बेसिकली डायरेक्ट हमने स्टॉक खरीदा रिलायंस का, HDFC का एंड वट एवर इट इज़। सेकेंड उसी के अंदर इनडायरेक्ट स्टॉक, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। एंड नेक्स्ट फोर्थ वन इज गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। फिफ्थ ध्यान रखना इस चीज़ का, आपके पास पैसे अच्छे आ रहे हैं, देन जस्ट गो फॉर लैंड, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे जाओ, प्रॉपर्टी के बिजनेस, प्रॉपर्टी लेने की सोचो, आप अपने लिए ज़मीन खरीदो, घर बनाओ। ये चीज़ आप जब आपके पास पैसा अच्छा खासा डेवलप हो जाए तब करो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लाइफ में आप अपने 20s में एसेट बनाने की कोशिश करो, लाइबिलिटीज़ नहीं। चकाचौंध वाली गाड़ी नहीं लेनी चाहिए आपको, महंगे महंगे फ़ोन, महंगी महंगी गाड़ी, महंगे महंगे बाइक्स, ये सब चीज़ों को आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये मिस्टेक्स अगर आप नहीं करोगे तो 20s आपका भले डिफ़िकल्ट बीतेगा, बट 30s 40s में आप ऐसे आराम की ज़िंदगी जियोगे, और मे बी 40s टच होते होते यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।